सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आपने नोट किया होगा कि करीब 10 दिनों तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी और अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं आप लोगों को वो प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। देखिए वो प्रॉब्लम आप लोगों से ही रिलेटेड थी, यानी कि आप लोगों के लिए ही थी। आपने देखा होगा कि मैंने एक ऐप बनाई थी निमीजी नेट के लिए, तो उसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को। काफ़ी स्टूडेंट्स के मोबाइल फ़ोन में वो वर्क नहीं कर रही थी, तो काफ़ी के वर्क कर रही थी। तो इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लगे हुए थे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब रियल में मैं बता रहा हूं, उस पे मैंने करीब 10 से 15 हज़ार रुपये मैंने अभी तक खर्च कर दिए हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रही है। बार बार हम टेस्ट करके देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कमियां उसके अंदर निकल रही है। तो उसी को सॉल्व आउट करने के लिए दोस्तों मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार वो ऐप वर्क है हमारा वो कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से रेगुलर वीडियो दे सकूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आती कि आप देखिए, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग मेरे को गालियाँ क्यों देते हो। मैं आपको, चलिए मैं नाम के साथ बता देता हूँ, एक हमारे यूज़र है हिमानी शर्मा, उनको पता नहीं मेरे चैनल से और मेरे से क्या दिक्कत है, उन्होंने इतनी यानी कि गंदी शब्दों का यूज़ किया हुआ है और कहा है कि ये यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए, दुनिया का सबसे घटिया चैनल उन्होंने इस YouTube चैनल को बताया है निमीजी नेट को, और कहा है कि दुनिया की सबसे घटिया ऐप बताई है। अब देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो कहीं भी किसी को भी कैसे भी हो सकती है, हो सकता है आपका आपके फ़ोन में भी कोई दिक्कत हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो ऐप है 80% मोबाइल के अंदर काम कर रही है, 20% मोबाइल में काम नहीं कर रही, तो 20% मोबाइल की हो सकती है कोई रीज़न हो, कोई दिक्कत हो। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसमें कमियाँ आप हमारी ही निकालो। चलो हमारी कमी है, हम उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ये कोई हक नहीं बनता कि हाँ आप हमें गंदी गालियाँ दें या हमें इस तरह का हमारे साथ बिहेव करें। देखिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कीजिए, आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे चैनल पर आने की अगर आपको हमारा चैनल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इस तरह से गंदे शब्दों का यूज़ करना अच्छा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ी सी बात थी, मैं आप लोगों से कर रहा था, तो उसी की प्रॉब्लम में मैं लगा हुआ हूँ, उसके सॉल्व आउट में लगा हुआ हूँ कि कब जल्द से जल्द वो ऐप है बने। और मैंने कई लोगों को दी थी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उनसे बात नहीं बनी। अभी भी उसी में मैं लगा हुआ हूँ कि ऐप अच्छे से बने और ताकि आपको अच्छे से स्टडी मटेरियल मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के एनवायरनमेंट के टॉपिक के बारे में कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस तरह के आगे आने की संभावना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर एक तो पोल्यूशन के बारे में देखेंगे और एक जो गैसेज हैं उनके बारे में देखेंगे और एक डिजीज़ जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इनसे दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अभी आप देख लेना। ये देखिए दोस्तों ये जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने इसके अंदर जो नेत्रों में जलन किस प्रदूषक के कारण होती है यानी कि पेन के बारे में इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया। देखिए हमारी जितनी भी गैसेज हैं उनके बारे में हमें रीड आउट करना पड़ेगा और कौन सी गैस से क्या दिक्कत होती है वो हमें पता होना चाहिए। अब ये देखिए क्लोरोफ्लोरो के बारे में इन्होंने पूछ लिया कि क्लोरोफ्लोरो का स्रोत क्या है। यहाँ पे क्या होगा, एक तो गैस से क्या इफ़ेक्ट होता है वो इफ़ेक्ट हमें पता करना है, और एक उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो निकलती है ये हमें पता होना चाहिए। और हाँ मेन चीज़ ये दो है, और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये आ गया कि जल में प्रदूषक संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि ये जल प्रदूषण के बारे में आ गया। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रदूषण से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो पोल्यूशन का जो मैटर है हमारा, उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट के अंदर। अब आगे भी देख सकते हैं, ये देखिए मीथेन, अब इन्होंने मीथेन गैस के बारे में पूछ लिया, और आगे इन्होंने ये देखिए मिनी माता यानी कि मरकरी जो होती है उसके बारे में इन्होंने पूछ लिया कि उससे किस तरह का प्रदूषण फैलता है। और ये जो क्वेश्चन है ये और भी आया है, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और दोस्तों साथ के साथ इंग्लिश में भी मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इंग्लिश में भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। आगे आ गया दोस्तों, देखिए भारत के शहरों में धूम के पर मुख्यतः शामिल होते हैं। धूम में यानी कि धूम का मतलब होता है जो फोग वगैरह होती है उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने दिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रदूषण से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो प्रदूषण का जो मैटर है, वो चैप्टर है, वो हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए, अब आगे इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछ लिया, और फिर आगे इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में पूछ लिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों और मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, इन्होंने फिर से जल प्रदूषण के बारे में पूछ लिया, और जल प्रदूषण से रिलेटेड जुलाई 2018 में भी क्वेश्चन आया था अब की बार, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए पोल्यूशन और गैसेज करना कितना ज़रूरी है। इसमें दोस्तों ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से कम 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और इसकी दोस्तों आपको PDF भी दे दूंगा मैं बिल्कुल फ्री में। उसमें ये सारी जो गैसेज है वो दी गई है, उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो दिए गए हैं, और सभी तरह के प्रदूषण वगैरह उसमें दिए गए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा CFC दोबारा से, फिर इन्होंने पूछ लिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्होंने पूछ लिया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे जो क्वेश्चन है 2017 में भी आया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया कि ये देखिए दोबारा से फिर इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पूछ लिया। देखिए दोस्तों, हमारी मेन कितनी गैसेज होती है, 5 से 6 गैसें होती है जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, तो वो गैसें कर लीजिए, सभी की सभी 50-100 गैसें करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ अभी, उसके अंदर ये सभी गैसों का जिक्र किया हुआ है, तो वो नोट्स आप ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में है। और अब देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने फिर वायु प्रदूषण के बारे में पूछ लिया, फिर जल प्रदूषण के बारे में पूछ लिए। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, जो क्वेश्चन मैं कह रहा था कि जल प्रदूषण से आता है, ये देखिए जुलाई 2016 में भी आ गया यही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन दोस्तों अभी हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसमें भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब ये देखिए, ये इन्होंने वायु प्रदूषण के बारे में पूछ लिया, ये क्वेश्चन है, और ये आर्सेनिक के बारे में पूछ लिया, यानी कि भूजल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने 2012 से लेकर 2018 तक पेपर फर्स्ट की सेपरेट टॉपिक वाइज PDF बना रखी है। जैसे कि रिसर्च से जो क्वेश्चन है वो अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, टीचिंग के अलग है, और उन सभी को करके आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और ऐसा करके दोस्तों आप दिसंबर 2018 में नेट प्लस GRF क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF की कुछ सामान्य कॉस्ट भी हो सकती है। तो अब देखिए दोस्तों, ये है जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इन्होंने फिर इसमें पूछ लिया नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पूछ लिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये HFCs के बारे में पूछ लिया, और पहले ये CFC के बारे में पूछते थे, तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहे हैं और बातें वही हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये धूम के बारे में पूछ लिया, धूम कोहरे के बारे में पूछ लिया, और धूम कोहरे के बारे में हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, कई कोचिंग सेंटर वाले पता है क्या करवाते हैं, वो सभी तो पर्वत श्रृंखला याद करवा देंगे, सभी नदियाँ याद करवा देंगे, और सभी वन क्षेत्र याद करवा देंगे। लेकिन भाई पहले ये तो देखो, UGC नेट के अंदर, पीपल एंड एनवायरमेंट के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे अंधाधुंध पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे पढ़ोगे तो हमारी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट होगी ही नहीं। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में इन्होंने फिर से पूछ लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
और मैं आपको दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन, ये देखिए जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने फ्लाई ऐश के बारे में पूछ लिया, फ्लाई ऐश भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए वायु प्रदूषण के बारे में इन्होंने फिर से पूछ लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमारे लिए ये करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको पीडीएफ लेनी है इस नोट्स की तो आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।